बाजार लगता था, मीना बाजार कहते हैं। अच्छा। मीना मीन्स लेडी, बाजार मीन्स मार्केट। औरतें सौदागर आती थी, यहाँ फ्लोर पर बैठते। स्टार्टिंग में जो देखा है आपने वो घोड़ों के अस्तबल थे, और आगे जो महल देखा है वो बीरबल का महल था। वो जो दो कमरे यहाँ स्वास्थ्य के चिन्ह बने हुए हैं, दो गुम्बद ऊपर है सर्दी के लिए, दो महल और दो चार नीचे हैं रूम, तो बीरबल का महल। ये जाली वाला जोधा का समर पहले से। और ये देखो पंच महल, इधर आइए। मुस्लिम रानी ईद का चांद देखना आती ऊपर से, हिंदू जल चढ़ाना है, करवा चौथ का चांद देखना, क्रिश्चियन हवा के लिए आती थी। शेर सुन लो, कश्तियाँ बह जाती हैं, तूफान उठे चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। आओ दीवाने खा, ये मरियम महल लास्ट में देखो, ऐसे चलेंगे लो। भाभी आओ, भाभी आओ, ये महल है पंच महल। पहले वहाँ जाना, वहाँ अजीब लग रहा था। ये ठीक है, कौन सा महल है ये? इसमें हवा तो खूब लग रही है, लेकिन ये स्कूल होता था मदरसा कहते हैं, दासियों की लड़की पढ़ने आती। देखो ये सीट देख रहे हैं मैदान में, राजा रानी यहाँ बैठते थे और गेम खेलते चौपड़। देखो ये बॉक्स बने हुए, एक दो तीन चार, गोटी की जगह लड़की खड़ी होती, 16 दासी चार चार करके राजा प्ले करते हुए नाचती हुई चलती थी। शेर सुन लो, शहर करो तो चमन की करो, बाजार में क्या रखा है, कत्ल करो तो निगाहों से करो, तलवार में क्या रखा है। वाह क्या बात है, दीवाने खास जी। चलिए ना दासी हम बन जाते हैं। बड़ा सुंदर है ना? ये कौन सा जगह है बताइए ना आप। ज्योतिषी बैठता था, ये कौन सा जगह है? अरे अरे भैया भैया टाइम नहीं है, आ जाइए आप। हाँ भैया बोलिए। और ये राजा अकबर इस किले के बीच में बैठते थे, और गैलरियों में नौरतन अकबर डिस्कस करके दीवाने हमें फैसला देते। अकबर ने धर्म चलाया, दीने लाए, थोड़ा करीब से देखो। तो ये सुराई वाला मुगल का डिज़ाइन है, ऊपर बुद्धिस्ट का, लोटस हिंदू, मेहरा मुस्लिम, चर्च का पर्शियन, ये जैन डिज़ाइन। आओ रुकैया बेगम महल दिखाते हैं आपको। ये दीवाने खास महल, राजा ऊपर बैठते, गैलरियों में नौरतन बादशाह डिस्कस करके इसका फैसला देते। जल्दी आओ, होते थे अंदर जाके अकबर, दीवार के उस तरफ जनता होती थी। कहाँ पे? दीवार के उस तरफ, अभी भी बाहर बांधा जाता था। ये दीवाने आम है? हाँ जी। और ये दीवाने खास देखा आपने? अच्छा, मैंने कहा ना अनूप तालाब। कौन सा तालाब? अनूप तालाब, तेज से बोलिए, अनूप तालाब। ये बादशाह की मुस्लिम रानी का महल है, रुपया नाम था, शीश महल कहते हैं इसको। खाली जगह है, चारों तरफ शीशे लगे हुए थे, वो छोटे हॉल हीरे, वो देखो स्वास्तिक का पेड़ों के। और ये जो तालाब देख रहे हैं भाई साहब, बहन, इसको अनूप तालाब कहते हैं। ये तानसेन के गाने का जगह है, नौ राजा के रतन थे एक तानसेन पे, बीच में बैठते थे तानसेन, फर्स्ट फ्लोर पर अकबर, वहाँ से संगीत सुनते थे। तानसेन ने दीप राग गाया, दीप जलने लगे, मैजू आगरा ने मेघ मल्हार गाया, बारिश हो गया। आओ अकबर का पलंग दिखाता हूँ, वो सर्दी का, अंदर गर्मी का बेड है। क्या है ये? उनका डाइनिंग रूम है, दस्तरखान लगाते हैं, यहाँ बैठते थे। वो पानी का मटका गंगा जल का पानी होता है, जोधा अकबर पीछे बनारस हरिद्वार से मंगाया जाता है। आओ बैठ देखो राजा, ये काहे के लिए थे? ये सामान का रहने का।
वो है मदरसा। राजा यहाँ सोते थे और यहाँ खड़े हुई हैं। यहाँ दहलीज तक पानी रहता था और पत्थर के पार्ट डाल दिए जाते, चंदन की लकड़ी की सीढ़ी होती थी। तीन उनके रियल बेगम थी, 350 इलीगल वाइफ, सब रानियाँ यहाँ आती आराम करने, इसलिए आरामदा कहते हैं। और इसको वागदा भी कहते हैं सपने देखने के लिए। शेर सुन लो, वो शम्मा ही क्या जिसमें उजाला ना हो, और वो हुस्न ही क्या जिसका कोई चाहने वाला ना हो। वाह, तो क्या बात है। गर्मी में यहाँ सोते थे बादशाह और सर्दी में ऊपर सोते थे। आओ मरियम महल दिखाता हूँ। कृष्ण भाई आ रहे हैं। ये रसोई घर जोड़ा था, वो रसोई घर मरियम का। कौन सा हमने मरियम का रसोई घर, ये जोड़ा का रसोई घर, अलग अलग किचन होते थे। ये जोड़ा ये झुमकों का डिजाइन है, बुंदा कहते हैं काम का, हिंदू बेगम पहना करती थी वो डिजाइन दिए है। और ये है मरियम महल, क्रिश्चियन भाई भी इस महल में रहती थी। गोल्डन हाउस कहते हैं, या गोल्ड लगा हुआ था। अब पानी पी लो सामने। अब बोलिए। वो देखो जो गार्ड रूम बता सुनो। गार्ड रूम है, अंदर जाते थे लोग परमिशन लेकर, तब महल में जाते थे। अच्छा, ये दो विंडो हैं, झरोका दर्शन, रानी प्रजा के लिए दर्शन देती थी। बादशाह की हिंदू रानी का महल है या जोधाबाई का? जोधाबाई का महल। और वो पेड़ के पीछे वहाँ टोडरमल बैठते थे, वित्त मंत्री बादशाह के। अच्छा अच्छा। फाइनेंस मिनिस्टर, वो उनके बैठने का रिकॉर्ड ऑफिस बना हुआ है। तो ये सबसे बड़ा महल जोधा का, मैं अंदर चल के दिखाता हूँ। मंदिर भी अंदर, एक गर्मी का एक सर्दी का महल। तो वो आ जाए तो चलते हैं। महल जो देख रहे हैं ये बादशाह की हिंदू रानी का है, जोधाबाई का। सबसे बड़ा पैलेस बनाया, राजपूत की बड़े महल होते हैं, बड़ा बनाया। सर्दी के समय इस महल में ऊपर रहती थी और गर्मी के समय इस वाले महल में रहती थी। आप देखो, देखने में दोनों सेम है, पर ये है कि ये साउथ साइड पर है, सनलाइट से हॉट होता था। और इसके पीछे जालियां हैं, मोती झीलता, हवा चलता, ठंडा रहता था। और नीचे ये चारों तरफ कमरे हैं, उनकी दासी रहती थी, नौकरानियां। और बीच में ध्यान यहाँ पड़े होता था, अभी गुड़ैल का लगा हुआ है, तो हिंदू रानी पूजा करने आती थी। ऊपर गुंबद हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए, किन्नर रहते थे, हिजड़े। और ये आखिर में लास्ट मंदिर, अंदर चल के बताता हूँ आप लोगों को। आप अंदर से देखिए, बीच में यहाँ मूर्ति होती थी राधा और कृष्णा की, वो हवन के लिए बैठने का स्थान। ये दो रूम है, पूजा का सामान रखा जाता, लाइट का सिस्टम नहीं था, ये रोशनदान है, दिए रखे जाते थे। और वो तिरुपति बालाजी का डिज़ाइन दिया है मंदिर का। और ये देखो, पानी के लिए मंगल कलश, ये तुलसी का पत्ता, ये ज्योतिष स्टाइल है। और ये त्रिशूल बनाया है इधर में भी है, और लोटस फ्लावर, माला, घंटी जो मंदिरों में होता है। इतना बड़ा महल देखा, देख कर निकलोगे, एक ही दरवाज़ा है, अंदर से बाहर का नहीं देख सकते हैं और बाहर से अंदर का नहीं, क्योंकि गेट का जो रुख है वो तिरछा दिया है। शेर सुन लो, नज़ारा खूबसूरत है यहाँ के, लाल पत्थर का, इन्हीं टुकड़ों से नाम रोशन है बादशाह अकबर का। और गुल खिलेंगे, गुलशन भी मिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। भैया फोटो यहाँ।